हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूर्णिमा शर्मा, आई एम बीपीडी थर्ड ईयर स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल फिजियो एम। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आईपीयू के बारे में, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बीपीटी के फॉर्म्स, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के फॉर्म्स आईपीयू ने रिलीज किए या नहीं। मैं आपको ये बात पहले ही बता चुकी थी, जो हमारी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे सीईटी होता है, ठीक है, एग्जाम कंडक्ट कराती है, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट होगी और फिर आपको कॉलेज मिलेगा। ओके, डायरेक्ट एडमिशन आपका नहीं है। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड, लाइक आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिलेबस है, सीट्स कितनी अवेलेबल है, कॉलेज कौन कौन से हैं जो बीपीटी कंडक्ट कराते हैं, आपको कॉलेज पता होना चाहिए, फिर आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन, पेपर कैसे होगा आपका, ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन, कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर आपको ओएमआर दी जाएगी, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं एग्जाम के टाइम पे, तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिना स्किप करें वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, फॉर्म्स आ चुके हैं। ओके, फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं और फॉर्म्स काफ़ी पहले आ गए थे, बट मैं आपको थोड़ा लेट से बता पा रही हूँ। और फॉर्म्स का लास्ट डेट है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से पहले पहले आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा, और मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आज ही जाके आप अपना फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। सो फॉर्म का लास्ट डेट है 30 अप्रैल। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं? सो 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, 25 फिजिक्स से, 25 केमिस्ट्री से और 50 आपके बायोलॉजी से, टोटल हो गया आपका 100। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर के लिए कितना टाइम दिया जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए, एग्जाम का ड्यूरेशन कितना है। सो 2 आवर्स 30 मिनट, मतलब कि टोटल 150 मिनट्स आपके पास होंगी और आपको आपका पेपर सॉल्व करना है। ओके, बात करते हैं एग्जाम के लिए हमें पढ़ना क्या है। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको इनकी एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, 11th और 12th की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत आराम से आप लोग कर लेंगे, बस आपको एक एक लाइन पढ़नी है एनसीईआरटी की, ठीक है। और बाकी ये बुक आती है, आप इसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो आपको आराम से मिल जाएगी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो यस, हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, आपको सही आंसर के 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है तो -1। ओके, नेगेटिव मार्किंग है, आराम से पेपर करिएगा। बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता पढ़ने का, इंस्ट्रक्शंस जो दे रखे होते हैं, तो मैं बता दे रही हूँ कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आराम से पेपर देके आइएगा। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं सीट्स कितनी अवेलेबल है। सो सीट्स बताने से पहले मैं आपको कॉलेज बता देना चाहती हूँ कि कौन से कॉलेज हैं जो आपका बीपीटी कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा कॉलेज आता है बनारसी, सॉरी, हाँ बहुत देर से है यहाँ पे ये बर्ड और जा नहीं रही है, और मैं इसे भगा भी नहीं सकती हूँ, ठीक है। मतलब मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि चली जाए चिड़िया चली जाए, बट चिड़िया जा ही नहीं रही, उसका मन ही नहीं है यहाँ से जाने का। मैं सुबह मतलब 5 बजे से बैठी हूँ कि अब मैं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि शाम को मुझे कॉलेज से आने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है बनाने का, तो मैं सुबह से वेट कर रही हूँ कि ये जाए, और अभी हमारा टाइम हो रहा है 8:30। आप सोचिए, 5 बजे से वेट कर रही हूँ, 8:30 हो गया, वरना मैं आज भी वीडियो नहीं बना पाती। रोज़ सुबह चिड़िया यहाँ पर आती है, सो थोड़ा सा नॉइज़ है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे थे कॉलेजेस की, ठीक है। सबसे पहले हमारा कॉलेज आता है बनारसीदास चांदीवाला कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी न्यू दिल्ली। ओके, इस कॉलेज में आपको 60 सीट्स मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है ISIC, इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस न्यू दिल्ली। ओके, इसमें हमारी 50 सीट्स अवेलेबल हैं। सो बनारसीदास चांदीवाला कॉलेज में हमारी 60 सीट्स थी और ISIC कॉलेज में हमारी 50 सीट्स हैं। सो टोटल हमारी 110 सीट्स हैं जिनके लिए आपको फाइट करनी है अगर आपको बीपीटी में एडमिशन लेना है तो। सो अब हम लोग बात करते हैं पेपर ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन। सो पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ओएमआर बेस्ड। ओके, अगर कोई चेंजेस होता है तो मैं आपको बता दूंगी। मोस्टली जो आईपीयू के सीईटी हैं वो ऑनलाइन भी होते हैं, सो कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे बीटेक का है, बीटेक का ऑफलाइन होता है, और भी कोर्सेज हैं जो आईपीयू कराती हैं उनमें जो पेपर है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड है। अगर बीपीटी का भी आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हमें एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है। ओके, सो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे आप आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ओके, वहां पर जाने के बाद आपको एडमिशन सेक्शन में जाना है और वहां पर आपको बड़ी बड़ी हेडलाइन दिखाई दे रही होगी कि सीईटी फॉर्म्स अवेलेबल 2022 एंड 23। ओके, सो आप उस पर क्लिक करेंगे। सो अब मैं आपको बीपीटी का कोड बता देती हूँ, जो सीईटी के लिए बीपीटी का कोड है वो है 124। ओके, 124 आपका बीपीटी का कोड है, पर
एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो 1-4 है वो आपका बीपीटी का कोड ही नहीं और भी 4 कोर्सेज है उनका कोड है, ठीक है। सो मैं आपको कोर्सेज के नाम बता देती हूँ। सबसे पहले आपका बीपीटी है ऑब्वियसली, नेक्स्ट है आपका बीपीओ बैचलर्स ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, ओके। उसके बाद है आपका बीओटी बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, नेक्स्ट है आपका बीएससी एमएलटी मतलब कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और नेक्स्ट है फिफ्थ आपका बीएएसएलपी बैचलर्स ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ओके। सो अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, ओके। एग्जाम टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। सो आपके पास सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, ओके। आपके पास 2 हार्ड कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी 2 हार्ड कॉपी आप अपने पास रखिएगा। ओह गॉड, बर्ड हम लोग को बहुत देर से परेशान कर रही है, बट प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी। नेक्स्ट है आपका आधार कार्ड, आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटो लेके ही जाने हैं। अब हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग की, ठीक है। आपका एडमिशन हो जाएगा तो काउंसलिंग कैसे होगी? काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी, ठीक है। सो इतना आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा एक कोड है 1-4, ओके। 1-4 जो हमारा कोड है उससे हमारे 5 कोर्सेज अटैच्ड है, ओके। वो हमारा 5 कोर्सेज के लिए है, ठीक है। मैं आपको कोर्सेज भी बता चुकी हूँ। सो क्या है ना कि जब आप अपना फॉर्म फिल करें तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि आपकी प्रायोरिटी कौन सी है। अगर आपको बीएससी एमएलटी करना है, ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी करना है, तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सेट कीजिएगा, ठीक है। पहले आप बीएससी एमएलटी डालेगा, उसके बाद अगर आपको इसे बीओटी करना है या बीपीओ तो नीचे उसको सेट कर दीजिएगा, ठीक है, अगर ऑप्शंस आपको मिलते हैं तो। और ऑब्वियसली आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको बीपीटी करना है तो बीपीटी अपनी प्रायोरिटी बनाइएगा, ओके। सबसे पहले आप बीपीटी फिल कीजिएगा। मैं आपको ये बात बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका एक ही कोड है 5 कोर्सेज के लिए। जो आप एक पेपर देने जाएंगे वो आपके 5 कोर्सेज के लिए होगा। सो पता है क्या होता है कि जब हमारा रिजल्ट अनाउंस होता है, जब हमें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, तो आप लोग बोलते हैं कि अरे हमें तो बीओटी नहीं चाहिए था, हमें तो बीपीओ नहीं चाहिए था, हमें बीपीटी चाहिए था। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो एक कोड होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट जनरेट होती है। और अगर आपके जिस अकॉर्डिंग आपकी रैंक आई है, ठीक है, आपके मार्क्स अगर थोड़े कम है तो उस अकॉर्डिंग आपको कोर्स दिया जाएगा, और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको कोर्स दिया जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग ऐसे आपकी होती है। सो पता है ऑनलाइन जब काउंसलिंग होती है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है, जो आपकी रैंक होती है वो किस अकॉर्डिंग होती है। पहले जो मेन दिल्ली के लोग हैं, ठीक है, उनको सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। जो दिल्ली के जर्नल है या फिर ओबीसी एससी में आते हैं, पहले उन्हें सीट्स प्रोवाइड की जाती है उनकी रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आउटसाइड दिल्ली वाले, ओके, जो आउटसाइड दिल्ली है। जैसे बहुत स्टेट से लोग आईपीयू का टेस्ट देते हैं, जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली से ही दे, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया आपका, ठीक है, और भी अदर स्टेट्स हो गई, राजस्थान बिहार, मतलब कि हर जगह से बच्चा फॉर्म भर सकता है आईपीयू का। लेकिन वहां पे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो दिल्ली वालों को दी जाएगी, ठीक है। और मार्क्स एज यूजुअल, मार्क्स में अगर आप लोग आउटसाइड दिल्ली के हैं तो आपको पेपर बहुत अच्छे से करके आना, आपको अच्छा स्कोर करना है, आपको 80% प्लस ही स्कोर करना है, ठीक है, तभी आपको बीपीटी मिलेगा अगर आप लोग आउटसाइड दिल्ली से हैं, या फिर और भी कोर्सेज हैं, फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो पहले प्रायोरिटी में दिल्ली वाले स्टूडेंट्स आते हैं, जो मेन दिल्ली से है, जो एनसीआर रीजन में आते हैं, और उसके बाद में नॉन दिल्ली वाले आते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से बता देती हूँ हम लोगों ने क्या क्या बात की इस वीडियो में, ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर के बारे में बात की कि क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, और किस बुक से हम लोग पढ़ सकते हैं, सिलेबस हमारा क्या होगा, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं हमारी, ठीक है, कॉलेज कौन कौन से हैं जो बीपीटी कंडक्ट कराते हैं, बीपीटी का कोड क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, काउंसलिंग, ठीक है, मैं सारे पॉइंट्स आपके कवर कर चुकी हूँ, ओके। और अब मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहती हूँ, ओके। एडवाइस ये है मेरी आप लोगों के लिए कि जब एग्जाम देने जाइएगा ना तो बहुत लूज और कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाइएगा, ठीक है, लाइक ट्राउजर और टी शर्ट, मोस्ट कंफर्टेबल क्लोथ्स रहते हैं ट्राउजर और टी शर्ट्स, और पैर में आप लोग स्लीपर्स पहन लीजिएगा तो और अच्छा है, क्योंकि अगर आपकी वहाँ पर चेकिंग होती है तो आप लोगों का टाइम सेव हो जाता है। लाइक आप लोगों ने शूज़ पहन रखे हैं तो आपके शूज़ रिमूव होते हैं, सॉक्स रिमूव होते हैं, काफ़ी सेंटर्स में ऐसा होता है, तो वहाँ पे आपका टाइम लग जाता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आधा टाइम तो हमारा वहीं पे निकल जाता है, ठीक है, डाइवर्ट तो हमारा माइंड हो ही चुका होता है वहाँ पे। सो बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाइएगा, ठीक है, किसी पार्टी वार्टी में तो जाना नहीं है, बस एग्जाम के लिए जाना है, तो जैसे कैजुअल हो वैसे जाइएगा, ओके। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर चुकी हूँ आईपीयू से रिलेटेड, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं @physioam मेरी आईडी है, और मैं हर स्टूडेंट को रिप्लाई करती हूँ। सो कोई भी कन्फ्यूजन है, ज़रूरी नहीं है कि आईपीयू सीईटी से रिलेटेड हो, बीपीटी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर करियर काउंसलिंग चाहिए हो, आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, ओके। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पता है ना क्या करना है, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब YouTube channel, don't forget to hit the bell icon. Bye bye, thank you, Jai Hind.